हे एवरी वन इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल दिस वीडियो इज अ अंप्लीट वन शॉर्ट ऑफ चैप्टर मैट्रेस क्लास ट्वेल्थ तो यहाँ पे हर एक चीज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं एंड जो भी एनसीआर के क्वेश्चन हैं वो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी इसकी जो पीडीएफ है वो स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम पे तुम लोग को मिल जाएगी सो ज्वाइन कर लेना लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इससे पहले के जो हमारे पास दो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूं तो उन वीडियोज को भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इसके अलावा फिजिक्स

और ये वाला हमारे पास सिंगुलर है तो अगर हम दो या तीन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम उसे मैट्रिक्स कह देंगे सिंपल मैट्रिक्स होता क्या है इट इज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ये हमारे पास क्या कह लेंगे? ये हमारे पास हर एक जो एलिमेंट हमने लिखा है ये एलिमेंट कहलाएगा वेरी सिंपल ये हमने ब्रैकेट से हमेशा जब भी, भी कोई मैट्रिक्स लिखते हैं ना तो हम एक ब्रैकेट वहां पे बाहर से बनाते हैं ये सब एलिमेंट्स हैं तुम्हें तो पता है जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं उनको रोज कहते हैं एंड यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं हम कॉलम्स कहते हैं तो विच मीन्स हमारे पास ये रोज है एंड ये हमारे पास कॉलम्स है वेन एव वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स तो वो क्या होता है एम एन टू एन एम क्या होता है यहाँ पे रो नंबर

वन टू थ्री फोर इसका ऑर्डर कितना आएगा टू रोज है टू कॉलम्स है टू इंटू टू अब मैंने एक और मैट्रिक्स ले ली है वन टू थ्री थ्री देखो ऑर्डर तो सेम है टू इंटू टू बट ये वाला एलिमेंट क्या हो गया डिफरेंट तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं नहीं होंगे. ठीक है अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने x लिख दिया है. अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी तो ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए इक्वल सो द ओनली कंडीशन दैट बोथ दीज मैट्रिक आर इक्वल इज की एक्स शुड बी इक्वल टू फोर

के लिए ही बना है क्वेश्चन बैंक इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी सो डेफिनेटली चेक दिस आउट देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के भी सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स जिसमें एक हमारे पास रो होगी स्क्वेयर मैट्रिक्स स्क्वेयर तो सबको पता है जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं तो विच मींस एक स्क्वेयर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास क्या होगा रो और कॉलम नंबर सेम आएगा तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स का सबसे पहले जैसे हमने ये लिख रखा है जीरो अंडर रूट थ्री माइनस देखो रोज कितनी है वन टू थ्री फोर फोर इंटू वन ये क्या आएगा इसका ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे वन देखो कॉलम कितना है एक ही है विच मीन ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी रो मैट्रिक्स एक ही रो होनी चाहिए अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे हो सकते हैं पांच कॉलम हो सकते हैं तीन कॉलम हो सकते हैं बट रो एक ही होनी चाहिए तो जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्क्वेयर में टू, टू की भी हो सकती है मैट्रिक्स थ्री बाय थ्री की भी हो सकती है फोर बाय फोर की भी हो सकती है वन बाय वन की भी हो सकती है जैसे ये भी हमारे पास अगर एक ही एलिमेंट है तो इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है ये भी मेरे पास क्या है एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल का क्या मतलब होता है जैसे अगर मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ ये हमारे पास डायगोनल होता है राइट right? तो विच मींस डायगोनल मैट्रिक्स भी ऐसी है देखो एक हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जैसे मैं ले लेती हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसका ऑर्डर कितना आया है इसका ऑर्डर आया है 3 3 तो व्हिच मींस रो एंड कॉलम नंबर सेम है विच मीनस ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है बट ये एक डायगनल मैट्रिक्स कब बनेगी जब जो भी नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, वो सब जीरो होंगे और सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे ठीक है समझ में आया बहुत सिंपल है जैसे पे एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है देखो ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो होने चाहिए बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए अगर यहाँ पे जीरो के बदले वन आ गया तो उस केस में ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी ठीक है स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अगर यहाँ पे मान लो मैं टू लिख दूंगी तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा उस केस में ये क्या कहलाएगा डायगेल मैट्रिक्स तो इस टाइप के एमसीक्यूज कंफ्यूज करने के लिए आते हैं कंफ्यूज नहीं होना है बेसिक चीज है डायगनल एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो है तो डायगनल बट अगर वो सेम भी है तो वो स्केलर कहलाएगी ठीक है तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा हमें वही चूज करना है एक और यहाँ पे आ जाता है जो कि हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायग्नल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा वन होने चाहिए अगर वन है तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी फिर उसको हम स्केलर नहीं बोलेंगे ठीक है तो जो बेस्ट आंसर है वही हमें चूज करना है तो देखो ये वाला अगर है तो ये वन बाय वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये टू बाय टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये थ्री बाय थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सबको हम I से ही डिनोट करते हैं उसके बाद जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे वो एक जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी वेरी सिंपल अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ना मैट्रिक्स के बहुत ही सिंपल हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें टू बाई टू की मैट्रिक्स बनानी है जहां पे जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसमें एलिमेंट्स ए आई जे के फॉर्म में होने चाहिए वेर ए आई जे इज गिवन एज आई प्लस टू जे स्कोयर अपॉन टू इसका क्या मतलब है देखो टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो हमें ये तो पता है कि हमारे पास दो रोज होने चाहिए दो कॉलम्स होने चाहिए विच मीन्स टोटल अगर तुमसे पूछा जाए कितने एलिमेंट्स होंगे तो चार ही तो होंगे ना टू इंटू टू चार एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे टोटल ठीक है तो चार एलिमेंट्स हमें ये निकालने हैं अब अगर हम बात करें पहले एलिमेंट की देखो ये पहला एलिमेंट है ठीक है तो पहला एलिमेंट पहली रो में है और पहले कॉलम में भी है बट अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास जो रो है वो तो पहली है बट अब कॉलम कौन सा आ गया है दूसरा आ गया है तो ये एलिमेंट ए वन टू कहलाएगा यहाँ पे देखो अब दूसरी रो स्टार्ट हो चुकी है तो ए टू करके इसे लिखेंगे बट जो कॉलम है वो तो फर्स्ट ही है तो ए टू वन ये वाला एलिमेंट होगा ये वाले एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास रो भी सेकंड है एंड यहाँ पे कॉलम भी क्या है सेकंड है विच मींस ए टू टू ये वाला एलिमेंट कहलाएगा तो हमें ये सारे एलिमेंट्स ही बस यहाँ पे सिंपली निकालने हैं तो अगर सबसे पहले हमें ए वन वन एलिमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे आई के बदले वन पुट करेंगे एंड जे के बदले भी वन पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट कर दो तो वन प्लस का स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा टू प्लस वन थ्री थ्री स्क्वायर ए वन टू अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे वन पुट करूंगी और जे के बदले टू टू इंटू टू हो जाएगा फोर इंटू फोर अपॉइन टू तो ये तो 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 कितना आ गया हमारे पास एट आ गया एट टू टू अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे टू पुट करेंगे यहाँ पे भी टू पुट करेंगे तो ये फोर आ जाएगा स्क्र अपॉन टू तो ये हमारे पास कितना फोर फाइव सिक्स तो सिक्स इंटू सिक्स टू विच मीन एटीन तो हमें जो मैट्रिक्स निकालनी है उसमें एलिमेंट हमें पता चल चुके हैं तो यहाँ पे पुट कर दो फाइनल आंसर होगा ए इक्वल्स टू यहाँ पे नाइन बाय टू ट्वेंटी फाइव बाई टू यहाँ पे एट एंड यहाँ पे आ जाएगा एटीन दिस विल बी द आंसर इवन अगर थ्री बाय फोर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है या फोर बाय थ्री की तो उस केस में हमारे पास एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे ज्यादा उस केस में हमें चार रोज लेनी पड़ेंगी तीन कॉलम्स लेने पड़ेंगे इसी एग्जाम्पल को देख के बहुत सारे और क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है दोनों मैट्रेसेस क्या है आपस में इक्वल है हमने अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रसेस पढ़ा था दो मैट्रेसेस तभी इक्वल हो सकती है जब हर एक एलिमेंट इक्वल हो विच मीन ये एलिमेंट इसके इक्वल आना चाहिए ये वाला इसके ये वाला इसके तो तीन इक्वेश बन जाएंगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन एक्स प्लस जेड इक्वल टू फाइव एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन वाई प्लस जेड की वैल्यू सेवन है तो आई कैन पुट इट ओवर है एक्स प्लस सेवन इक्वल टू नाइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पे टू आ गई सिंपली यहाँ पेड टू फाइव की वैल्यू पे थ्री आ गई जेड की वैल्यू अगर थ्री आई है तो वाई प्लस थ्री टू सेवन विच मीन वाई की वैल्यू आ गई फोर तो आंसर शुड बी टू फोर एंड थ्री एंड यही हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रस ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री विद एंट्री जीरो और वन हमारे पास दो ही एंट्रीज़ हो सकती हैं जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है तो दो एंट्रीज़ यहाँ पे पॉसिबल हैं एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए थ्री इंटू थ्री तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा थ्री इंटू थ्री तो यहाँ पे टू की पावर कितना हो जाएगा नाइन जो कि हमारे पास होता है फाइव वन टू सो दिस विल बी द आंसर ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा गया था एंड ये आ भी सकता है ठीक है यहाँ पे मे बी वैल्यूज चेंज कर दे वन और टू अगर इस तरीके से भी गिवन है सेम मेथड यू हैव टू फॉलो अगर तीन एंट्रीज गिवन है तो इधर पे थ्री आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रोसेस दो मैट्रोसेस को हम कैसे एड करते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल है लाइक like, एक बार अगर समझ जाओगे तो सारे जो भी एडिशन है वो इजिली कर सकते हो जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है

वो दूसरी मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा है ना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना विच मीन्स अगर हमें दो मैट्रक्स को ऐड करना है तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा दिस एलिमेंट विल बी एडेड टू दिस एंड दिस एलिमेंट विल बी एडेड टू दिस वेरी सिंपल तो यहाँ पे कॉस्क्वायर एक्स प्लस साइंस स्क्वायर एक्स अगर हम करेंगे तो कितना होता है वन होता है तो इधर पे वन आ गया साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्र एक्स अगेन द वैल्यू इज वन देन यहां पे भी वही चीज हो रही है रही है और यहाँ पे भी वही चीज हो रही है बिकॉज हमारे पास सिंपल सा फॉर्मुला होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा चाहो तो एक और स्टेप लिख सकते हो जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन के बदले हमने इस तरीके से पुट करा होगा ठीक है ये वाला स्टेप मैंने बस स्किप कर रखा है उसके बाद ये स्टेप में चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे ऐड होगा राइट तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस कितना आ जाएगा टू ए बी ठीक है उसके बाद बी स्क् स्क्र प्लस टू बी सी आ जाएगा यहाँ पे देन यहाँ पे आएगा ए स्क्यर प्लस बी स्क्र अब यहाँ पे जब हम प्लस लिखेंगे तो माइनस टू ए सी अब तुम्हें पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस टू ए सी द सेम गोस्ट फॉर दिस ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है चलो अब हमें पता है ये तो बेसिक हमारे पास क्या होता है फॉर्मुलाज होते हैं ना ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस ऑफ c का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी a माइनस बी होल तो जितनी वैल्यूज है हमने पुट कर दी ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर तो I think addition तो आई थिंक एडिशन बहुत इजीली कर लेंगे जहां पे हमें मेन फोकस करना है वो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रसेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में समझने में डिफिकल्टी होती है बट बिल्कुल भी ना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बहुत ईजिली इसको भी हम समझते हैं सबसे पहले हमें दोनों मैट्रसेस का ऑर्डर चेक करना है देखो इसका ऑर्डर कितना होगा टू रोज यहाँ पे है एंड टू कॉलम्स भी है तो टू इंटू टू यहाँ

वो पहले वाले कॉलम के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई क्यों होगी वो भी मैं बता देती हूँ जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना यहाँ पे वो किस फॉर्म में होंगे ए वन वन ए वन टू ए टू वन एंड ए टू टू ये तो अभी हमने देख ही लिया था तो वन वन का क्या मतलब है पहली रो पहला कॉलम ए वन टू का क्या मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम ठीक है ए टू वन का क्या मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम ए टू टू का क्या मतलब है दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम समझ में आया तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले मैंने कहा दिस विद दिस विच मीन्स ए इंटू ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस समझ में आया तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट आया है अब दोनों मैट्रोस को मल्टीप्लाई करके ठीक है उसके बाद यहाँ पे हमने ए वन टू कहा विच मीन्स पहला हमारे पास रो है और दूसरा यहाँ पे कॉलम है ठीक है तो ए इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस ए बी प्लस यहाँ पे बी इंटू ए विच मीन्स यहाँ पे बी आ गया विच इज सिंपली ए बी ओनली फिर यहाँ पे अगेन अब हमें ए टू वन चाहिए है विच मीन्स हम दूसरी यहाँ पे रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे तो माइनस बी इन ए माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए इन बी हमारे पास ए बी हो जाएगा ठीक है फिर ए टू टू का क्या मतलब है कि सेकंड रो विद द सेकेंड कॉलम तो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा बी जाएगा प्लस ए इंटू ए कितना हो जाएगा? A square. अब ये तो हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्तर यहाँ पे जीरो आएगा यहां पे भी जीरो और इसको भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र के फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज हमारे पास एडिशन क्या होता है कम्यूटेटिव होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है इसमें देखो सबसे पहले मैंने बताया था हमें क्या चेक करना है, हमें ऑर्डर चेक करना है 1 2 3 थ्री रोस एंड एक ही कॉलम है इसमें देखो एक ही रो है एंड तीन कॉलम्स है अब हमने कहा ये नंबर सेम आना चाहिए और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा दिस इनटू दिस व्हिच मींस 3 3 हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा तो अब हमें सिंपली क्या करना है ये एलिमेंट क्या होगा पहली रो पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम विच मीनस ये वन इंटू टू टू हो जाएगा सिंपली यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे तो दो एलिमेंट्स थे इसलिए करना पड़ा यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो कुछ अलग से हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये एलिमेंट कौन सा होता है ए वन टू ये ए वन थ्री होता है तो पहली हमारे पास रो है दूसरा कॉलम तो वन इंटू थ्री कितना हो गया थ्री देन वन इंटू फोर कितना हो गया फोर हो गया सिंपल अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू वन वाला एलिमेंट है ये सेकेंड रो एंड पहला कॉलम है ना तो टू इंटू टू फोर हो गया यहाँ पे टू इंटू थ्री सिक्स हो गया टू इंटू फोर एट हो गया वेरी सिंपल नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो ए थ्री वन होगा थर्ड रो पहला कॉलम तो थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स थ्री इंटू थ्री कितना हो गया नाइन थ्री इंटू फोर कितना हो गया ट्वेल्व इस तरीके से अगर स्टार्टिंग में नहीं भी समझ में आता है ये जो मैंने मेथड बताया है कि पहले एलिमेंट्स लिख लो तो यहां से समझ में आ जाएगा ना तो A, 2, 1 अगर हमने लिखा है तो हमें सेकेंड रो लेनी है एंड वी हैव टू टेक द फर्स्ट कॉलम सो अकॉर्डिंगली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वील गेट अर आंसर सो दिस इज द आंसर ये दोनों हमारे पास आंसर है आर करेक्ट तो अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन को लेके ही है विच आर अगेन वेरी सिंपल तो पहली वाली मैट्रिक्स का

तो so हो गया प्लस वन इंटू वन वन होता है तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा देन यहाँ पे भी हमें यही करना है थ्री माइनस टू यहाँ पे वन आ जाएगा दिस विल बी फोर एंड दिस विल बी फाइव ओवर है ठीक है इसको मैं इस साइड को लिख लेती हूँ ये हमारे पास आ गया उसके बाद माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे एंड दिस विल बी अगेन माइनस वन तो इधर पे माइनस टू अमे मिलेगा ये जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे फाइनली टू आएगा देन दिस विल बी एंड तो ये मेरे अकॉर्डिंग जीरो आना चाहिए तो चेक कर लेते हैं वन टू थ्री वन फोर फाइव दिस इज द करेक्ट आंसर ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ गया है आई थिंक समझ में आ गया होगा अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो मैंने पहला वाला मेथड बताया है कि अगर मान लो मुझे ये एलिमेंट निकालना है तो ये कौन सा एलिमेंट होगा देखो थर्ड रो हो गई है एंड पहला कॉलम हो गया है विच मीनस यहाँ पे मुझे वही करना है थर्ड रो एंड पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने वही तो करा ना माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन हो गया एंड प्लस वन इंट माइनस वन तो माइनस वन तो यहाँ पे माइनस टू आ गया वेरी सिंपल अगर ये निकालना है तो ये एलिमेंट हो गया तो थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लाई करना बहुत इजीली कर सकते हो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है अगर तुम इसे मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो नहीं आने वाला है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही नहीं पॉसिबल है कैसे वन टू थ्री थ्री यहाँ पे रोज है टू यहाँ पे कॉलम्स है यहाँ पे वन क्या है रो एंड थ्री क्या है कॉलम मैंने कहा था अगर दो मैट को मल्टीप्लाई कराना है दिस नंबर शुड बी सेम क्या ये सेम है नहीं विच मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल ठीक है उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज अगेन वेरी सिंपल देखो ये एक बाहर से अगर कोई भी एलिमेंट लिखा है किसी भी मैट्रिक्स के तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो अगर मुझे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा दिस विल बी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड दिस विल बी कॉस स्क्र थीटा ठीक है साइन थीटा भी अगेन हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो इधर पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर पे आएगा माइनस साइन कॉस थीटा, इधर पे आएगा साइन कॉस थीटा

तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर ये एक मार्क का ही क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे तो बहुत इजीली हो सकता है उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा लेंदी होगा बस ये बहुत ही सिंपल है जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना वैसे ही यहाँ पे जो एक्स और वाई है हमें यहाँ पे मैट्रिक्स निकालनी है यहाँ पे कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है मैट्रिक्स निकालनी है ठीक है तो देखो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करा देती हूँ पूरी इक्वेशन को ठीक है तो ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस नाइन वाईक्वल टू ये मैट्रिक्स भी थ्री से मल्टीप्लाई होगी और मैंने बताया अगर कोई भी मैट्रिक्स किसी भी बाहर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो थ्री इंटू टू सिक्स नाइन ट्वेल्व जीरो ये आएगा ठीक है फिर यहाँ पे भी अगेन इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई कराया है तो ये कितना आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस फोर वाई टू से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो फोर माइनस फोर माइनस टू एंड टेन यही आएगा दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं सब ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा नाइन वाई माइनस फोर वाई कितना आ जाएगा फाइव वाई इक्वल टू ये कितना आएगा टू आएगा नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन हो जाएगा ना ये एंड ये हमारे पास कितना होगा फोर्टीन और ये माइनस टेन यही होगा तो वाई क्या आ गया हमारे पास टू बाय फाइव Thirteen by five. फोर्टीन बाई फाइव एंड ये माइनस टू अब कहोगे कैसे आया तो देखो y टू क्या होगा ये अगर फाइव नीचे जाएगा तो ये 1 by 5 हो जाएगा ठीक है अब मैंने क्या कहा बाहर कोई भी एलिमेंट है वो अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तो अगर करोगे तो 2 by 5 होगा है ना या ऐसे भी समझ सकते हैं कि फाइव से हर एलिमेंट को क्या करना है डिवाइड करना है तो वही मैंने कर दिया तो माइनस टेन अपॉन फाइव क्या हो जाएगा माइनस टू इसीलिए ये हमारे पास आंसर आया है एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं टू बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है अब हमें एक्स भी निकाल है तो y अगर मैंने निकाल लिया है तो x निकालना तो काफी सिंपल हो जाएगा या तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं देन इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे देखो 2x plus 3 into y तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब मुझे 3y लिखा है ना बिकॉज़ तो ये कितना आएगा देखो 6 by 5 दिस विल बी 39 by 5 दिस विल बी हाउ मच 42 by 5 एंड दिस विल बी -6 इक्वल्स टू ये हमारे पास कितना है 2 3 4 0 तो अब टू एक्स जब भी मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये वाला टर्म जो है वो उधर माइनस में चला जाएगा तो हमें निकालना क्या होगा पे 2 6 5, जो कितना है 4 5, फिर थ्री माइनस कितना होगा ये थर्टी नाइन बाय फाइव विच मीन बेसिकली थर्टी नाइन माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी फोर ना तो माइनस ट्वेंटी फोर बाय फाइव आ रहा होगा ठीक है देन दिस इज यहाँ पे मैं सोल्व कर लेती हूँ फोर माइनस फोर्टी टू फाइव तो ये हो ट्वेंटी माइनस फोर्टी टू ये कितना आ रहा है माइनस ट्वेंटी लिख लेते हैं तो, है तो, है, तो क्या करना पड़ेगा टू से पूरे ये जो है, करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा? देखो फोर अपॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टू का क्या मतलब हुआ कुछ इस तरीके से तो ये कितना आएगा हमारे पास टू बाय फाइव आएगा ठीक है यहाँ पे देखें तो माइनस ट्वेल्व बाय फाइव आएगा यहाँ पे इलेवन बाय फाइव आएगा माइनस इलेवन एंड दिस विल बी थ्री ठीक है तो ये चेक कर लेते हैं एक बार हमारे पास आंसर सही आ रहा है या फिर गलत तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो इस तरीके से हम इजिली इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जैसे हम इक्वेजन सोल्व तरीके से हमने यहाँ पे सोल्व करा है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू अगेन क्या करना है देखो थ्री बाहर लिखा है विच मीन हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स थ्री वाई थ्री जेड एंड थ्री डब्ल्यू उसके बाद यहाँ पे एड होना है तो एड कर देते हैं दिस विल बी एक्स प्लस फोर दिस विल बी सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई दिस विल बी माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एंड दिस विल बी टू डब्ल्यू प्लस थ्री अगर ये दो मैटोस आपस में इक्वल है तो हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो 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 उसके बाद और हम कौन सा यूज कर सकते हैं ये वाला यूज कर सकते हैं ठीक है थ्री एक्स इक्व टू एक्स प्लस फोर आया था तो टू एक्स इक्व टू फोर विच मीन एक्स इक्व टू क्या आ गया मेरे पास टू आ गया ठीक है देन ये वाला यूज कर लेती हूँ मैं थ्री जेड इक्व टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू

ठीक है तो एंड बिल्कुल सही हमने आंसर निकाला है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट बहुत ही सिंपल सा है एफ एक्स एफ वाई एंड एफ एक्स प्लस वाई ये सबसे पहले हम निकालेंगे उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें प्रूफ करना है दैट इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ ब्राकेट एक्स प्लस वाई तो सबसे पहले एफ एक्स तो यहाँ पे गिवन ही है हम एफ वाई कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिकली एफ वाई में हमें क्या करना है जैसे यहाँ पे एक्स है तो इसके बदले हमें वाई पुट करना है सो दिस विल बी कॉस वाई दिस विल बी माइनस साइन वाई ये जीरो जीरो वन ये तो सेम ही रहेगा हमारे पास दिस विल बी साइन विल बी कॉस वाय अब अगर हम बात करें Fx plus y की तो पे पे आ जाएगा cos x plus y, यहां पे आ जाएगा जाएगा बी साइन एक्स प्लस वाई एंड हेयर इट विल बी कॉस एक्स प्लस वाई सो ये मैट्रिक्स भी हमने निकाल दी है सो so ये हमारे पास बेसिकली क्या है आर एच एस अब हमें निकालना है एल एच एस तो एल एच एस इज एफ एक्स इन एफ वाई तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली इन दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है जो हमारे पास बेसिक मेथड है अब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दोनों को हम क्या कर देते हैं साथ साथ लिख देते हैं सो दैट कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा दिस विल बी कॉस एक्स हेयर इट विल बी कॉस वाय माइनस साइन वाई जीरो जीरो वन जीरो जीरो एंड इट इज साइन वायस वाई अब उसके बाद यहाँ पे अगेन वही चीज हमें करनी है फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा देन इट विल बी प्लस आएगा बट यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा एंड ये हमारे पास जीरो ही रहेगा प्लस जीरो तो उसको हम हटा देते हैं ठीक है उसके बाद दिस विद द सेकेंड कॉलम राइट तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई एंड इट विल बी माइनस साइन एक्स कॉस वाई बाकी तो हमारे पास क्या है जीरो जीरो आई थिंक ये स्क्रीन पे विजिबल हो रहा हो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे दिस दिस विद जीरो ये जीरो तो इधर पे क्या आ जाएगा फाइनली जीरो नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम राइट तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाय प्लस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई

रो विद द सेकेंड कॉलम सब कुछ जीरो यहाँ पे देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो आ जाएगा वन अब देखो यहाँ पे हमें कॉस एक्स प्लस वाई लाना है और यही तो फॉर्मूला बन रहा है ना कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यही तो होता है कॉस एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई तो इधर पे क्या आ जाएगा दिस विल बी कॉस एक्स प्लस वाई इधर पे देखो हमें क्या लाना है और माइनस साइन ही था ये तो जीरो जीरो वन ही आया है यहाँ पे बाकी हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी देखना है तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाय प्लस कॉस एक्स साइन वाई तो अगेन ये किसका फॉर्मूला था अभी हमने देखा सो so, ये था साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला उसके बाद देखो पे cos x plus y आना चाहिए और यही है cos 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 x cost y minus sin x sin y which means यहाँ पे हमारे हमारे पास पास आ जाएगा ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया गया बहुत ही ज़्यादा सा question है बस जो हमें फॉर्मुलाज है इलेवंथ के वो याद रखने हैं तो इजिली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है थीके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दैट इज अगेन वेरी सिंपल हमें फाइंड करना है ए स्क्वाइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई जहाँ पे हमें ए गिवन है ए स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए यानी कि ए मैट्रिक्स को ही दो बार हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ठीक है मतलब उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है बेसिकली तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमें पता है टू इंटू टू फोर प्लस ये जीरो हो जाएगा प्लस वन इधर पे आ गया फाइव उसके बाद इधर पे देखिए तो ये हमारे पास जीरो होगा ये भी जीरो इधर पे माइनस वन आ जाएगा ये हमारे पास टू आएगा बस बाकी सब तो जीरो हो जाएगा हेयर इट विल बी फोर प्लस टू प्लस थ्री तो फोर फाइव सिक्स एट नाइन नाइन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जीरो माइनस टू तो आ गया ये उसके बाद यहाँ पे टू माइनस टू तो ये तो जीरो आ गया ठीक है ये जीरो है ये माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन आ गया देन थिंक द कैलकुलेशन इज करेक्ट तो ए स्क्वायर तो तो हमारे पास ये आ जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है देखो ए स्क्वायर अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है इसमें ही हमें माइनस और फाइव ए करना है ये हमारे पास ए था फाइव ए का मतलब तुम्हें पता है हर एक एलिमेंट को फाइव से मल्टीप्लाई करा देना है तो ये टेन जीरो फाइव टेन फाइव फिफ्टीन फाइव माइनस फाइव एंड जीरो प्लस सिक्स आय आय क्या होता है देखो ये थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है तो इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी वन 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 बाकी सारे एलिमेंट नॉन डायगनल वाले क्या होंगे जीरो होंगे ठीक है है क्या मतलब है? कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच मीन ये सिक्स सिक्स एंड सिक्स आ जाएगा सिंपल सबसे पहले इन दोनों को हम सब्रैक्ट कर देते हैं कितना आएगा है? देखो यहाँ पे माइनस फाइव आएगा दिस विल बी माइनस वन माइनस थ्री दिस विल बी माइनस वन दिस विल बी माइनस सेवन दिस विल बी माइनस टेन ये माइनस फाइव हो जाएगा ये हमारे पास फोर आएगा राइट और ये माइनस टू इसमें भी हमें क्या करना है प्लस तो ये चीज हमें इसमें अगर करनी है तो इवेंचुअली हमारे पास कितना आएगा माइनस वन होगा दिस विल बी अगेन माइनस वन माइनस टेन एड करना है बिकॉज हमें यहाँ पे फोर हो जाएगा एंड दिस विल बी फोर दिस शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी एक बार चेक भी कर लेते हैं द आंसर शुड बी वन माइनस वन माइनस थ्री एंड दैट इज करेक्ट ठीक है तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है बस यहाँ पे ना कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कई बार माइनस वन के बदले अगर मैंने जैसे प्लस वन लिख दिया तो हमारी कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाती है तो आंसर गलत हो जाएगा हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे तो इसीलिए हमें बस कैलकुलेशन का यहाँ पे ध्यान रखना है उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थोड़ा सा साधी भी जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो यहाँ पे ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है वी इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस सबसे पहले अगर मैं एल एच एस की बात करूँ आई क्या होता है हमारे पास ये टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो इसके लिए वन जीरो जीरो वन यही होगा प्लस ए ए हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है

माइनस साइन अल्फा दिस इज साइन अल्फा दिस इज कॉस अल्फा ठीक है अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा ये कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाय टू एंड दिस इज इंटू साइन अल्फा ठीक है ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस टैन अल्फा बाय टू एंड कॉस अल्फा फिर यहाँ पे देखेंगे सो माइनस टेन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो टेन अल्फा बाय टू साइन अल्फा प्लस ऑफ कॉस अल्फा ठीक है अब ये तो हमने इधर पे निकाल दिया है अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें तो इसके इक्वल इसको लाना है तो इसके लिए हमें फॉर्मुलाज यूज करने पड़ेंगे कौन से फॉर्मुलाज देखो अगर हम टैन अल्फा बाई टू की बात करें इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन इसको मैंने लिख दिया अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा है यहाँ पे मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करूंगी साइन टू एक्स होता है 2 sin x cos x. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑलरेडी साइन अल्फा है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ टू साइन अल्फा बाय टू एंड कॉस अल्फा बाय टू ठीक है तो ये इधर पे हो जाएगा कैंसिल तो इधर पे कितना आ जाएगा टू साइन स्कोर अल्फा बाय टू अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस अल्फा लिखा हुआ है अगेन हमारे पास कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1 -2 sin2x. तो अगर cos alpha को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी वन माइनस टू साइन स्क्स अल्फा के बदले हमने ये चीज लिखी है ठीक है दिस प्लस जो हमारे पास ये सेकेंड टर्म है टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा उसके बदले मैंने ये लिख दिया है दोनों को एड कराएंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा हमारे पास सिर्फ वन तो इस साइड पे तो वन आ गया ठीक है? है, तो है तो ये वाला पार्ट तो हमने क्या कर दिया सोल्व कर दिया है अब ये वाले पार्ट हमको सोल्व करना है वो भी हम इजिली कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मलास माइनस साइन अल्फा ठीक है प्लस क्या है यहाँ पे वी हैव टेन अल्फा बाय टू एंड कॉस अल्फा यहाँ पे इसको तो माइनस साइन अल्फा ही लिखती हूँ प्लस यहाँ पे टेन अल्फा बाय टू यहाँ पे एक और हमारे पास फॉर्मुला होता है, जो होता है? 2 1, तो, यहाँ पे है, तो 2 1 हो जाएगा इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ठीक है माइनस साइन अल्फा प्लस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू इन टू ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय टू एंड माइनस ऑफ टेन अल्फा बाय टू तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे क्या बचा देखो माइनस साइन अल्फा प्लस ये बचा टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू जो कि क्या था साइन अल्फा ही था एंड माइनस यहाँ पे आ गया टेन अल्फा बाय टू तो ये हो गया कैंसिल तो इधर पे क्या आ गया माइनस टेन अल्फा बाय टू यहाँ पे हमें यही तो लाना था तो इधर पे आ गया फाइनली हमारे पास ये बचा सेम मेथड यहाँ पे भी करोगे ये है हमारे पास माइनस टेन अल्फा बाय टू यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ टू को स्क्वेयर अल्फा बाय टू माइनस वन प्लस ऑफ साइन अल्फा तो यहाँ पे साइन अल्फा साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन अल्फा बाय टू तो बस यहाँ पे क्या आ गया टेन अल्फाबाई टू आ गया इक्व टू क्या था एल एच एस एंड हेंस यहाँ पे क्या हो गया ये प्रूफ हो गया ठीक है उसके बाद वी हैव हाँ आर नेक्स्ट क्वेश्चन जो की हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो इसमें गिवन है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज डजन 10 dozen का कितना मतलब हुआ यहाँ पे वन ट्वेंटी हमारे पास टोटल बुक्स हैं ठीक है एट डजन विच मीन यहाँ पे कितनी है हमारे पास नाइन्टी सिक्स फिजिक्स बुक्स एंड टेन डजन अगेन यहाँ पे विच मीन वन ट्वेंटी इकोनॉमिक्स की बुक है देयर सेलिंग प्राइसेस आर एट्टी सिक्स एंड फोर्टी रुपीज ईच फाइंड द टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जैब्रा तो ये बहुत ही सिंपल है सबसे पहले जब भी हमें मैट्रिक्स एल्जैब्रा यूज करनी होती है ना तो हम इस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं कि जो भी फाइनल आंसर आए वो वन इंटू वन की मैट्रिक्स के फॉर्म में आए तो ये वन इंटू वन मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे बन सकता है सबसे पहले हम बुक्स लेंगे ठीक है बुक्स की मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो बुक्स की मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे जैसे हमारे पास सबसे पहले चलो केमिस्ट्री थी तो हम केमिस्ट्री ही यहाँ पे लिखते है तो सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री थी देन हमारे पास फिजिक्स थी देन हमारे पास इको की बुक थी ठीक है तो कितनी बुक्स हैं नंबर ऑफ बुक्स का हम बना रहे हैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ बुक्स का जैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो वन ट्वेंटी एंड देन 96 सिक्स एंड देन वन ट्वेंटी दूसरी जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे देखो इसका ऑर्डर हमने कितना लिया है वन इंटू थ्री ले रखा है तो दूसरी मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा थ्री इंटू वन ऑब्वियसली बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तभी जाके जैसे वन इंटू थ्री है एंड थ्री इंटू वन तभी जाके हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी वन इंटू वन की मिलेगी तो अब हम दूसरी मैट्रिक्स कौन सी बनाएंगे उनके सेलिंग प्राइसेस की तो सेलिंग प्राइस की हम अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली हमें गिवन है एट्टी सिक्स एंड फोर्टी तो तो ये आ गई की तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वन इंटू वन की एक matrix हमने वन ट्वेंटी रुपी की एक बुक है एट्टी बुक्स बेची हैं तो टोटल हमें केमिस्ट्री का मिल गया प्लस फिर फिजिक्स का मिल गया प्लस फिर इको का मिल गया वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे बट यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि मैट्रिक्स यूज करनी है इसीलिए हम मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं ठीक है तो वन ट्वेंटी इंटू एटी ट्वेल्व इंटू एट कितना होता है 96 सिक्स तो ये हमारे पास आ सिक्स हंड्रेड आ गया नेक्स्ट 96 इंटू सिक्स अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, 7, 6, आ जाएगा जाएगा ट्वेंटी इलेवन प्लस फाइव ये कितना आ गया ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी आना चाहिए दिस शुड बी द आंसर ठीक है तो ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं next, पास टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ट्रांसपोज का मतलब है इसको ए डैश दे हम डिनोट करते हैं सिंपली हमें रो और कॉलम को क्या कर देना है इंटरचेंज कर देना है ठीक है जैसे यहाँ पे हमें गिवन है वन माइनस वन टू और थ्री ये मेरे पास क्या है रो है इसको कॉलम बना दो वन माइनस वन ये अगेन मेरे पास रो है इसको कॉलम बना दो बन गया ए डि ट्रांसपोज तो ये हमारे पास क्या है दिस इज द ट्रांसपोज अगर ये एक ए मैट्रिक्स है तो इसका ये आ गया ट्रांसपोज सिंपली अगर ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे माइनस वन फाइव सिक्स रो को कॉलम में चेंज कर दिया अंडर रूट थ्री फाइव एंड सिक्स एंड टू थ्री माइनस वन सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली आंसर आ जाएगा उसके बाद वी हैव हाँ टू वेरीफाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं ये हमारे पास फॉर्मुला भी है जो की काफी इंपॉर्टेंट है ए बी यानी कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो फॉर्मुला आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये हमें वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई वन टू थ्री थ्री इंटू वन एंड वन इंटू थ्री जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए थ्री इंटू थ्री होना चाहिए तो यहाँ पे सिंपली माइनस वन आया एंड दिस दिस विल विल बी बी हाउ मच अब तो मल्टीप्लाई करना आई थिंक आ ही क्या होगा तो इतनी कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी ए बी हमने निकाल दिया है अब हमें ए बी का ट्रांसपोज भी तो निकालना है तो ट्रांसपोज क्या होगा माइनस वन टू वन फोर माइनस एट एंड माइनस फोर माइनस थ्री सिक्स एंड थ्री ठीक है तो ये आ गया ये हमारे पास एल आ गया अब मुझे बी डैश चाहिए सबसे पहले ठीक है बी डैश क्या होगा देखो माइनस वन टू एंड वन एंड ए डैश हमारे पास क्या होगा इट विल बी इटव फोर एंड थ्री आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ बिकॉज ये मेरे पास क्या थी एक रो इसको कॉलम में ही तो चेंज करना था कर दिया ये मेरे पास क्या है कॉलम इसको मैंने रो में चेंज कर दिया तो अब हमें बी डैश ए डैश निकालना है यानी कि अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो करा देते हैं माइनस वन फोर एंड माइनस थ्री आ गया ठीक है देन घर पे कितना आएगा टू माइनस एट एंड थ्री इंटू टू सिक्स दिस विल बी वन माइनस फोर एंड थ्री तो ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं ठीक है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है दोनों आपस में इक्वल है एंड हेंस हमने वेरीफाई कर दिया है ठीक है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक में जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आता है सिंपल डेफिनेशन है दो तो एग्जांपल्स लेते हैं ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है इसका मैं ट्रांसपोज निकालती हूँ अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो देखो जो हमारे पास क्या है रो है वो कॉलम के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी तो वन माइनस वन एंड फाइव फिर माइनस वन टू एंड वन उसके बाद फाइव वन एंड थ्री ये दोनों ही एग्जैक्टली exactly सेम आई है तो यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए है विच मीन ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है इसको भी देख लेते हैं ये भी मैंने ए लिया है अब मैं ए डैश अगर निकालूंगी तो जीरो वन माइनस वन माइनस वन जीरो वन एंड वन माइनस वन एंड जीरो सेम तो नहीं आ रही हैं तो अब मैं क्या करूंगी ये वाली मैट्रिक्स से वन कॉमन ले लेती हूँ कॉमन भी ले सकते हो या एक ही चीज है वो तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जीरो साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया है यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे माइनस वन अब ये एक्जैक्टली सेम है पहली वाली मैट्रिक्स के तो एडाश इक्वल टू क्या आ गया है माइनस ए

तो ए को ही मैंने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है हम कर सकते हैं ये जो पहला पार्ट होता है हाफ ए प्लस ए डैश ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है ये जो दूसरा पार्ट है हाफ ए माइनस ए डैश ये होता है ये हमें प्रूफ भी करना होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको बेसिकली हम ए इक्वल टू पी प्लस क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे पी हमारे पास सिमेट्रिक होगी और क्यू हमारे पास क्यू सिमेट्रिक होगी करना कैसे है तो देख लेते हैं ठीक है एक क्वेश्चन हम लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है इसको मुझे एज अ अ अ सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं ए डैश कितना आएगा सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन एंड टू माइनस वन एंड थ्री विच इज एक्टली द सेम ये खुद ही क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चल गई है ठीक है अब हमें क्या करना है हाफ a प्लस ए डैश निकालना है तो यहाँ पे हाफ a प्लस ए डैश विच मीन दोनों को ऐड करना है तो कर लेते ट्वेल्व माइनस फोर फोर ये माइनस फोर आ जाएगा ये सिक्स आ जाएगा दिस दिस विल विल बी बी एंड तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो वही चीज हमें वापस मिल रही है सिक्स माइनस टू टू दिस विल बी माइनस टू थ्री एंड माइनस वन दिस विल बी टू माइनस वन एंड थ्री हाफ कर दिया है विच मीन टू से पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया है ठीक है देन हमें क्या करना है इसी को हम एक मैट्रिक्स लेते हैं पी तो ये हमारे पास एक पी मैट्रिक्स आई है अब हमें क्या करना है डैश निकालना है तो अगर हम पी डैश निकालेंगे तो वो एक्टली exactly पी के इक्वल आना चाहिए क्योंकि हमें क्या क्या करना है 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 ये ये जो पहला वाला पार्ट सिमेट्रिक तो ऑब्वियसली उसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगी तो वही आना चाहिए ना तो इसीलिए हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो निकाल लेते हैं सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन एंड टू माइनस वन एंड थ्री इट इज एक्सैक्टली सेम एज पी विच मीन्स ये हमारे पास सिमेट्रिक तो है ये हमने प्रूफ कर दिया है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा हाफ ए माइनस ए डैश देखो ए और exactly ए डैश अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा जीरो ही बचेगा तो यहाँ पे जीरो 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 सब कुछ जीरो आ जाएगा बिकॉज हर एक एलिमेंट क्या है सेम हाफ से डिवाइड भी करेंगे तभी भी वो सब जीरो ही रहेगा तो इसको मैं एक क्यू मैट्रिक्स ले लेती हूँ तो ये आ गए जीरो क्यू डैश अगर मैं निकालूंगी तो एक जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी होती है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है तो जीरो जीरो करना, करना है तो मैं इसमें से अगर एक माइनस साइन बाहर भी ले लूं तो अंदर कुछ अंतर आएगा नहीं आने वाला है तो q डाश इक्वल्स टू माइनस क्यू भी मैं इसे लिख सकती हूँ तो विच मीन्स यहाँ पे ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये क्या आई है एक स्क्यू

माइनस टू एंड इधर पे कितना आया था माइनस वन माइनस वन एंड थ्री ठीक है ये P है प्लस Q हमारे पास क्या है जीरो मैट्रिक्स है तो इधर पे zero, 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 इस तरीके से लिखना भी है ठीक है ऐसा नहीं है कि बस हमने ऊपर प्रूव कर दिया नीचे रिप्रेजेंट नहीं करा इस तरीके से रिप्रेजेंट भी हमको करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर सो लाइक दिस यू हैव टू रिप्रेजेंट एनी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टेबल मैट्रिक इससे ज्यादा कुछ है नहीं बस ये छोटा सा टॉपिक है इससे जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सिलेबस में नहीं है तो हम बेसिक चीजें ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर हम कोई भी ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सबसे पहले और बी भी एक हमारे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिसफाई होती है जो की है ए बी इक्वल टू बी एक्वल टू आई आई क्या होती है ये हमें पता है दिस इज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है तो ये जो बी मैट्रिक्स होती है ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तो ये जो बी मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है ए मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इनवर्स ए 1 पावर में तो इसको हम ए इनवर्स कहते हैं ठीक है एक हमारे पास फार्मूला है ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स जैसे हमारे पास था का ट्रांसपोज दिस इन द सेम वे यहाँ पे माइनस वन का क्या मतलब है ये इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें ज्यादा कुछ सिलेबस में है नहीं बस ये मेंशन नहीं कर रखा था एस सच की डिलीटेड है इसीलिए थोड़ा सा बेसिक मैंने यहाँ पे बता दिया है बिकॉज ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं ठीक है थीके? अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं Uh, ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज से है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वन इंटू थ्री एंड इसका होगा थ्री इंटू थ्री तो इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो का मतलब है एक जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे आनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर वन इंटू थ्री होना चाहिए यानी कि एक रो एंड तीन यहाँ पे कॉलम होने चाहिए सो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम तो कितना आ जाएगा वन प्लस फोर प्लस वन तो फोर फाइव सिक्स तो इधर पे सिक्स आ गया देन इधर पे तो सिर्फ टू आएगा बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आ, सब जीरो जीरो है यहाँ पे टू प्लस टू यहाँ पे फोर आ जाएगा ये हमारे पास आ गया फिर जीरो टू एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है वन इंटू थ्री एंड इसका है थ्री इंटू वन विच मीन जो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी उसका इंटू तो तो जीरो हाँ पे माइनस वन वेरी सिंपल अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आज के सेशन का कर लेते हैंक् प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच मार्केट्स एनुअल इंडिकेटेड बिलो मार्केट वन के ये है

प्राइसेस प्राइसेस भी गिवन तो हमने दूसरी मैट्रिक्स ले ली यूनिट के फॉर्म में ठीक है यहाँ पे 1. 1, क्या इंटू थ्री एंड इसका इंटू वन तो यहाँ पे सिंपली इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है इसको कराएंगे तो ये कितना दिस विल इंटू टू हंड्रेड राइट तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री थाउजेंड तो ये थ्री थाउजेंड यहाँ पे आ गया और ये आएगा हमारे पास एटीन थाउजेंड ठीक है तो एट नाइन टेन इलेवन इलेवन प्लस फाइव ये हो गया सिक्सटीन एंड टू थ्री फोर तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड यहाँ पे फर्स्ट वाली मार्केट का हमारे पास आंसर आ गया है अब सेकंड वाले के लिए हमें सेम तरीके की मैट्रिक्स बनानी होगी तो यहाँ पे सिक्स थाउजेंड आ जाएगा दिस विल बी ट्वेंटी थाउजेंड दिस विल बी एट थाउजेंड ओवर हेयर एंड यहाँ पे टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव एंड वन ठीक है ये हम सेल प्राइसेज की बिक्स बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही चीज है ट्वेंटी फाइव इंट सिक्स हंड्रेड प्लस कितना हो जाएगा फिफ्टीन इंटू बस मैं डेसिमल क्या कर दे रही हूँ कैंसिल आउट तो टू थाउजेंड हो जाएगा प्लस इधर पे एट थाउजेंड तो ये सब टोटल करके हमारे पास आ जाएगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड सो दिस विल बी द आंसर तो पहला वाला पार्ट तो हमने कर लिया है बी वाले में क्या बताना है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अब थ्री कमोडिटीज आर टू वन एंड फिफ्टी पैसे रेस्पेक्टिवली फाइन द ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जब भी हमारा सेल प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस करेंगे तो उतना हमको प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली है ना तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हम निकालेंगे जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है उसके बाद सब करके देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट तो पहले हम यहाँ पे यूनिट कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने वाले हैं तो यहाँ पे किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ये हमें गिवन है तो मार्केट वन का कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम सो इट विल बी टेन थाउजेंड एंड एटीन तो ये हो गया टू थाउजेंड अब हमें यहाँ पे यूनिट कॉस्ट प्राइस लेना है प्रीवियस वाले में सेल प्राइस लिया था यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो कितना है टू वन फिफ्टी पैसे तो टू वन फिफ्टी पैसे को जीरो पॉइंट फाइव लिख सकते हैं ऑब्वियसली तो ये कितना आ जाएगा इधर पे ट्वेंटी थाउजेंड आएगा ये आएगा हमारे पास टू uh, थाउजेंड फिर ये कितना हो जाएगा एटीन हंड्रेड इंटू फाइव तो ये आ गया यहां पे नाइन थाउजेंड नाइन टेन इलेवन थर्टी वन थाउजेंड ठीक है अब प्रॉफिट क्या होगा उसने सेल कितने की करी फोर्टी थाउजेंड की करी तो फोर्टी सिक्स माइनस कर दो इधर पे थर्टी वन तो यहां पे कितना आ गया फिफ्टीन थाउजेंड यही था ना आंसर ये yes. तो फिफ्टीन थाउजेंड हमारे पास क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है ये हमने मार्केट वन का अभी निकाला मार्केट टू का अगर निकालेंगे तो यहां पे हमें वही चीज करनी पड़ेगी यहीं पर मैं लिख देती हूँ ठीक है यहां पे हमें क्या लेना है टू वन एंड जीरो पॉइंट फाइव तो अगेन ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड जो कि थर्टी टू थाउजेंड हमारे पास ऑलरेडी हो गया एंड प्लस इसमें कितना कर देंगे uh, ये फोर थाउजेंड आ जाएगा तो so ये हमारे पास टोटल कितना आ गया थर्टी सिक्स थाउजेंड अब उसने सेल कितने की करी फिफ्टी थ्री की और थर्टी सिक्स उसको पढ़ा था वो ऑलरेडी तो कितना आ गया ये सेवनटीन थाउजेंड आ जाएगा तो यहाँ पे सेकंड मार्केट की अगर हम बात करें तो सेवेंटीन थाउजेंड यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट ये सारे आंसर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये सारे सही हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक रिकमेंड कर दिया है यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी बाय डिस्क्रिप्शन में है सो दैट इज इट फॉर टेज वीडियो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू डो नॉट फर्गेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर